यूरिन है यानी ये पेशाब है। इन तीनों का हेलो फ्रेंड्स, मिशन इन्फिनिटी में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी हम आप लोगों के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, आज हमारे पास यह तीन तरह के लिक्विड हैं। पहला डिस्टिल वाटर है, दूसरा टैप वाटर है यानी जो नल का पानी हम लोग पीते हैं सो नल का पानी है, और ये तीसरा जो है यूरिन है यानी ये पेशाब है। ये तीनों का आज हम चेक करेंगे कि इन तीनों में से किस किस से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। चलिए एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये डिस्टिल वाटर है, इसमें कोई इम्प्यूरिटीज नहीं होता है। इसमें इसका फॉर्मूला होता है H2O यानी हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के एक। इसमें कोई इम्प्यूरिटीज नहीं है। इसका ppm जो होता है तो जीरो होता है। ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। इसमें कोई इम्प्यूरिटीज नहीं है, तो क्या इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा? चलिए चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक वायर डाल दिए, अब दूसरा वायर भी हम इसी में डालेंगे, क्या इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए, ये बिल्कुल प्योर वाटर है, डिस्टिल वाटर है, इसलिए इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, इनको टच किए, इलेक्ट्रिसिटी पास होता तो इस तरह से जल जाता। फ्रेंड्स, इससे डिस्टिल वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, अब हमारे पास है नल का पानी, जिस पानी को हम लोग पीते हैं, नॉर्मल वाटर जिस पानी को हम लोग पीते हैं। इसमें कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, और इसका 150 ppm होता है। चलिए चेक करते हैं ये नल का पानी से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा कि नहीं। पास करके दिखा। अब हम इसको डालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें नल के पानी से इलेक्ट्रिसिटी हल्का पास हो रहा है, इसलिए देखिए बल्ब जो है बहुत कम जल रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, इस पानी में इलेक्ट्रोलाइसिस भी हो रहा है, अब बल्ब भी बिल्कुल हल्का सा जल रहा है। फ्रेंड्स, नल का पानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, लेकिन बहुत कम पास हो रहा है। फ्रेंड्स, अब हमारे पास है यूरिन यानी पेशाब। ए भाई, तू आग में पेट्रोल क्यों डाल रहा है? अब हम इसमें जांच करेंगे कि क्या इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि पेशाब में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। 95% वाटर होते हैं, 2.6% यूरिया होते हैं, 0.4% यूरिक एसिड होता है, और 2% क्रिस्टलाइन होता है। फ्रेंड्स, इसमें इतने से कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो हम कंपोनेंट्स बताए हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से जो यूरिन निकलता है उसके कंपोनेंट्स बताए हैं, और जो अस्वस्थ व्यक्ति होगा, जो अनहेल्दी होगा, उसमें और भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स, तो इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये यूरिन से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। देखिए फ्रेंड्स, यूरिन से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। क्या बोला तूने? और बल्ब भी बहुत तेजी से जल रहा है, यानी कि
यूरेन जो है तो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि पेशाब जो होता है तो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। अगर कोई इंसान इस तार पर पेशाब करता है और इस तार से करंट पास हो रहा होगा तो उस इंसान को करंट लग जाएगा, और उस इंसान को सिर्फ करंट का झटका ही नहीं मरेगा, उस इंसान की जान भी जा सकती है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने थ्री इडियट्स फिल्म में देखा होगा इस सीन को, लेकिन थ्री इडियट्स में दिखाया गया है कि उसको सिर्फ झटका लगता है, सिर्फ झटका ही नहीं उसकी जान भी जा सकती है। मेरा ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।